असल में बात यह है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। असल में बात यह है कि वो यहाँ आना नहीं चाहता। असल में बात यह है कि उसने झूठ बोला। असल में बात यह है कि वो फेल हो गया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में बात यह है, यानी हर सेंटेंस में असल में बात यह है कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द मेन पॉइंट इज दैट। द मेन पॉइंट इज दैट मीन असल में बात यह है कि आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन द मेन पॉइंट इज दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और द मेन पॉइंट इज दैट ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन असल में बात ये है कि यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से ही आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक जरूर देखना। असल में बात यह है कि मैं वहां जाना नहीं चाहता। द मेन पॉइंट इज दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। द मेन पॉइंट इज दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले के इन मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, असल में बात यह है कि वो यहाँ आना नहीं चाहती। द मेन पॉइंट इज दैट शी डजेंट वॉन्ट टू कम हियर। द मेन पॉइंट इज दैट शी डजेंट वॉन्ट टू कम हियर। असल में बात यह है कि उसने झूठ बोला। द मेन पॉइंट इज दैट ही टोल्ड अ लाई। द मेन पॉइंट इज दैट ही टोल्ड अ लाई। असल में बात यह है कि वो फेल हो गया। द मेन पॉइंट इज दैट ही गॉट फेल। द मेन पॉइंट इज दैट ही गॉट फेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में बात यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। असल में बात यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मदना।